नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द की परेशानी होती है। इसके बारे में आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि ये कमर दर्द क्यों होता है, किस महीने से ये ठीक हो जाता है, या फिर कमर दर्द होने की वजह से कोई परेशानी तो नहीं आएगी हमारे ऊपर या हमारे आने वाले बेबी के ऊपर, किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। मेक श्योर कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। साथ ही साथ अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखें, कुछ और पूछना हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत होती ही है। ये परेशानी अक्सर दूसरे या तीसरे तिमाही से शुरू हो जाती है, मतलब कि बहुत सारे लोगों की दूसरे तिमाही से और बहुत सारे लोगों की तीसरे तिमाही से शुरू होती है। इसके कई वजह हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते वजन से महिला की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भार बढ़ने लगता है, जिससे कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है ना, वो बनता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ और जोड़ बहुत ही वीकनेस की तरह हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं। जोड़ों के ढीले होने के कारण भी कमर दर्द की समस्या होती है। वहीं प्रेगनेंसी में शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाता है, जिसकी वजह से अनजाने में ही गर्भवती महिलाओं को उठने बैठने का जो तरीका है बदलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि हम जो नॉर्मल दिनों में जिस तरीके से उठते हैं बैठते हैं, प्रेगनेंसी के दिनों में वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और जिसकी वजह से शरीर में दर्द भी बनता है। साथ ही साथ जब बहुत सारे लोग मानसिक तनाव भी लेने लगते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के कारण या फिर आने वाले बच्चे के बारे में सोच सोच कर बहुत लोग तनाव भी लेते हैं, जिसकी वजह से भी यह बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे शरीर को करना पड़ता है। मानसिक तनाव की वजह से भी कमर की मांसपेशियां कई बार खींच जाती है, जो कि नॉर्मल दिनों में भी खींचते हैं, जो हम कई बार महसूस करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में कभी भी आप मानसिक तनाव बिल्कुल ना लें। अब प्रेगनेंसी है तो भैया कमर में दर्द तो होगा ही, शरीर में दर्द होगा ही, लेकिन इसके कुछ बचाव के तरीके भी हैं जो आप आजमा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए हम जानते हैं बचाव के उन तरीकों को, जिससे कि आपके कमर का दर्द जो है वो ना बढ़े। लंबे समय तक बैठे रहने से आपको बचना चाहिए। अगर आपका काम ज़्यादा देर तक बैठकर करने वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैरों के नीचे स्टूल ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि आपके कमर के पीछे भी सपोर्ट मिलेगा, और हो सके तो एक तकिया भी लगा ले कमर के पीछे। इससे कमर के पीछे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको पैरों पे भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आपके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर दो, आपको प्रेगनेंसी के टाइम में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीज़ों को खाना है, जैसे कि दूध, दही, पनीर वगैरह ये सब खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अपने डाइट में शामिल करना है। रोज़ाना 10 बजे से पहले थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर बैठें, जिससे कि आपको सुबह की विटामिन डी वाली धूप आपको मिलती रहे और आपको प्राकृतिक स्रोत भी मिलती रहे। कैल्शियम सिर्फ खाने से नहीं बल्कि विटामिन डी आपको धूप से भी चाहिए होती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि विटामिन डी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कैल्शियम। नंबर तीन, आप अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्यायाम खुद से ना करें, आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे पूछें कि आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो कुछ एक्सरसाइज बताएं, जिससे क्या होगा कि आपका जो वज़न है वो भी नियंत्रण में रहेगा और आपका शरीर भी लचीला रहेगा। डिलीवरी के टाइम में भी आपको आसानी होगी, और कुछ देर तक आप रोज़ टहलने की भी आदत डालें, जो कि आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। नंबर चार, आपके घर के किसी सदस्य की मदद ले और अपने पैरों में हो सके तो तेल की मालिश करवाएं। मालिश से पैरों की जो मांसपेशियां होती है ना, वो काफ़ी आराम मिलती है वहाँ पे। आप कमर पे भी मालिश करवा सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कमर या पेट पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। नंबर पाँच, बाई करवट लेकर सोने की आदत डालें। इस समय बाई करवट
की तरफ सोने से ना आपको बहुत ही आराम मिलता है हर तरह के दर्द में। और इसके अलावा आप अपने दोनों पैरों के बीच भी तकिया लगाकर सोया करें। आजकल मेटर्निटी पिलो भी मार्केट में बहुत मिलते हैं, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मेटर्निटी पिलो यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी आरामदायक होता है। लेटने के बाद आपको झटके से बिल्कुल नहीं उठना है, नहीं तो आपकी बेबी पर गलत असर पड़ सकता है। और नंबर 6, बहुत देर तक खड़े रहने वाला काम नहीं करना चाहिए इस टाइम। बीच बीच में आपको बैठना चाहिए ताकि कि पैरों पर ज़्यादा वजन ना पड़े और पैरों पर ज़्यादा दर्द ना हो। अगर पैरों में दर्द होगा तो आपके कमर में भी दर्द होगा ही होगा। आप जानते हैं कि किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या खतरे की घंटी है। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, दिन बढ़ते जाते हैं, आपके पैरों पर उसका असर प्रेशर पड़ता है, तो ऑफकोर्स पैरों में कमर में दर्द होगा ही होगा। लेकिन अगर आप जो ये चीज़ें मैंने बताई वो कर रही हैं और आपको आराम है तब तो ठीक है। लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपके पैरों में बेतहाशा दर्द है, उसके साथ उल्टी, चक्कर या ब्लीडिंग की शिकायत हो या वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो, तो आपको बिना देर किए आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि इस समय में आपको किसी भी तरह के दवाइयों को लेने से बचना चाहिए, यानी कि उस तरह के दवाई जो डॉक्टर ने ना लिखे हो। तो हमेशा अगर दवाई लेना भी है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि आपको कौन सी दवाई आपके शरीर के लिए सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में हर बॉडी अलग मेडिसिन चाहती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खुद से कोई मेडिसिन ना ले, नहीं तो वो आपके लिए भी खतरा बन सकता है और आपके बेबी के लिए भी बन सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल भी लेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर को अपने मिलें। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ना आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रख सकते हो और कमर का दर्द और पैरों के दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। थैंक यू।